सरकार भले ही प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में तैनात चिकित्सक गरीब मरीजों को कमीशन के चक्कर में लूटने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं सिस्टम से खफा होकर एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपने दर्द को बयां किया है। उसने एसटीएच में तैनात सरकारी चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि इस वीडियो को एक दिन में 4000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। दरअसल लव माई यूके नामक यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो में मोहित बिष्ट ने कुमाऊं के सबसे बड़े डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल पर निशाना साधते हुए यहां तैनात एक न्यूरो सर्जन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहित ने वीडियो में कहा कि उसके पिता पहाड़ से गिर गए थे और उनके शरीर में काफी चोटें आई थी। पहले उन्हें हल्द्वानी के निजी अस्पताल में दिखाया गया, लेकिन सिर में दर्द होने पर सिटी स्कैन कराया तो चिकित्सक ने न्यूरो सर्जन को दिखाने को कहा। इस पर पिता को लेकर मुखानी स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सक ने ऑपरेशन करने की बात कही, लेकिन खर्च अधिक होने पर वह पिता को लेकर 14 अप्रैल को सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे। यहां न्यूरो सर्जन ने तुरंत ऑपरेशन की बात कही और खून का इंतजाम भी करने को कहा। साथ ही सामान की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी और सारा सामान मुखानी स्थित एक मेडिकल स्टोर से लाने को कहा। आरोप है कि चिकित्सक ने 15 अप्रैल को दोबारा ऑपरेशन के लिए कहा और फिर उसी मेडिकल स्टोर से सामान मंगवाया। सामान को लाने में उसके 60 से 70 हजार रुपए खर्च हो गए। इसके बाद 16-17 अप्रैल को फिर ऑपरेशन की बात कही। काफी दिन तक पिता का अस्पताल में इलाज चलता रहा और आखिर में 2 मई को उनका निधन हो गया। मोहित ने कहा कि चिकित्सक ने ऑपरेशन के सामान के साथ साथ उससे दवाएं भी बाहर से मंगाई। इधर इस पूरे मामले पर आरोपों से घिरे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमित देवल और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। मरीज के दिमाग में खून का थक्का था, इसका हमने ऑपरेशन किया और मरीज ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन के बाद मरीज होश में आ गया था, जिसका जो जिक्र है उसने वीडियो में करा भी है। वीडियो बनाने वाले में मरीज के फेफड़े खराब थे, इस वजह से मरीज के फेफड़े खराब होकर उसकी मृत्यु हुई है। वेंटिलेटर पे मरीज रहा और होश में भी रहा, होश में भी वो खाना मांगता था। और जो बाकी सामान और उसकी बात है, हमने किसी भी जगह से उसको सामान को ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने उसको सिर्फ जो एक दो चीज थी जो उस समय इमरजेंसी ऑपरेशन में कम थी, उसको पर्चा दिया। वो अपनी मर्जी से सामान लाया है जहाँ से। आयुष्मान को लेकर उसने आरोप लगाया है, कितना आयुष्मान उसका अगले ही दिन शुरू कर दिया गया था। आयुष्मान में पहले वो पैकेज मांगते हैं सर्जरी का कोड, तो कोड उस समय जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट वगैरह लगाने के बाद शुरू होता है। उसी से पहले हमने उसका बीपीएल कार्ड लगाया था और बीपीएल में सारी जाँच सब कुछ उसका फ्री में ही हुआ है। सारा आईसीयू का खर्चा और सारी दवाई उसकी आयुष्मान से बाद में सारी फ्री हुई है। हमने किसी को मना नहीं करते आयुष्मान लगाने। देखिए ऐसा है कि वीडियो मैंने कल मैंने भी शाम को देखा था, उसमें जो था उसमें और किसी ने भेजा था ऐसे ही, क्योंकि डॉक्टर अमित देवल के नाम से वो करके दिया है जो न्यूरो सर्जन है। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि वो डॉक्टर साहब जो हैं बेसिकली उनकी नियुक्ति हमारे यहाँ नहीं है, वो सीएमओ नैनीताल के अधीन बेस अस्पताल में पोस्टेड हैं और उनको 2 दिन के लिए वहाँ यहाँ ओपीडी दी गई है और एक ओटी में उनको इस्तेमाल करने का दिया गया है। लेकिन सुना जो मरीज जो बोल रहा था वो उसने बोला कि ऑपरेशन शिवा तिवारी में करा था और उसने कुछ उसमें चार्ज लगाए हैं कि उनको बाद में जो हेड इंजरी थी कुछ बहुत महंगे इम्प्लांट बाहर से आए थे। तो अगर ये लिखित में शिकायत आती है सीएमओ नैनीताल शायद उसमें जांच कर भी रही हैं और जो भी उनको सही होगा जहां से होगा हम उनको करेंगे। और ये भी मरीज़ की शिकायत यहां भी आती है वो आती है, तो क्योंकि ये गंभीर मामला गंभीर प्रकरण है तो इसमें भी हम नियमानुसार इसमें जो जाँच करेंगे वो करेंगे और उसका संज्ञान ले रखा है और इसमें जो भी कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि मैं भी कल से अमित दुवल साहब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक उनसे बात भी नहीं हो पाई है, क्योंकि उनका भी बयान चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये गलत है, निंदनीय है।